क्या लगता है केडी, डीसीपी चित्रोले ने ये खून किए हैं? अभिजीत, मैं तो अदालत में यही प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि वो हत्यारे नहीं है, ये हत्याएं उन्होंने नहीं की, कि अचानक उन्होंने अपराध अपने सर ले लिया। बड़े विचित्र पुलिस ऑफिसर है, पूरा केस घुमा कर रख दिया। अच्छे अच्छों को घुमा देता है ये डीसीपी। अगर तुम इस आदमी को अच्छी तरीके से जानते होते तो इसका केस लड़ना तो दूर, इसे अपने पास खड़ा भी नहीं करते। इतना काया आदमी है ये कि कब क्या कर बैठेगा कुछ पता नहीं चलता। ये जो अदालत में पलटी मारी है ना, अपना गुनाह कबूल कर लिया है, ये बिना बात के नहीं किया है। इसके पीछे कोई ना कोई चाल है केडी, कोई ना कोई चाल है। तो जब तक जनार्दन गवाही देने नहीं आया था तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। ये सब जो हुआ है जनार्दन की गवाही के बाद ही हुआ है। जनार्दन जब डीसीपी साहब के पास जाके रोया उसके बाद ही कुछ हुआ है। करेक्ट। जनार्दन ने डीसीपी के हाथ पे कोई संदेश लिखा था जिसे पढ़ने के बाद वो घबरा गए और उसके बाद ही उन्होंने अपना बयान बदल दिया था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिजीत, वो संदेश ही इस चक्रव्यूह की जड़ है। और संदेश क्या था वो सिर्फ जनार्दन बता सकता था, मगर वो तो मर गया। सारा सीक्रेट अपने साथ ले गया, मगर जनार्दन के हाथ से शायद तारिका को कुछ पता चल सकता है, पर तब तक हमें कोई और रास्ता निकलना होगा। अब्बा, एक ही रास्ता बचा है। समय बहुत कम है और अदालत अपना निर्णय सुनाए उससे पहले जनार्दन के हत्यारे को ढूंढना होगा। जाएगा कहां वो, उसे तो हम ढूंढ निकालेंगे, बस समय समय बहुत कम है केडी, समय कम है। अभिजीत, सीआईडी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। हाँ तारिका। सर, जितनी कोशिश करती हूँ काम में मन लगाने की, उतनी ज्यादा सालों के सर की याद आती है। देखो तारिका, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, वैसे सालों की मेरा भी सबसे करीब दोस्त था, उसके जाने का दुख तो मुझे भी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं करता, ड्यूटी तो करनी चाहिए है ना। वैसे बहुत बुरी तरह से मारा है जनार्दन को, बड़ी खौफनाक मौत हुई है इसकी। हाँ सर, इसकी बॉडी पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, इसके सीने की रिब गेज, कंधे की हड्डी सब टूट चुकी है, इसका चेहरा भी बुरी तरह से कुचला गया है। सर, मुझे लगता है इसे मारने के लिए इसके ऊपर ट्रक या बस चलाई गई होगी। ट्रक या बस से कुचल दिया है? अगर खुनी जनार्दन की मौत एक एक्सीडेंट दिखाना चाहता था तो फिर उसने जनार्दन की लाश को उस वेयरहाउस में क्यों छुपाया? वेयरहाउस में क्यों, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। सर, इसके हथेली पर ये जो कुछ लिखा हुआ है ना? क्या लिखा है डॉक्टर तारिक का? एक मिनट, अभी बताती हूँ। अपराधी बनोगे या खूनी, जुर्म मान लो वरना शहर में चार बॉम्ब फटेंगे। अपराधी बनोगे या खूनी, जुर्म मान लो वरना शहर में चार बॉम्ब फटेंगे। जुर्म मान लो वरना शहर में चार बॉम्ब फटेंगे। माय गॉड, तो ये बात है, इसीलिए डीसीपी चित्रोले ने जुर्म कबूल कर लिया, इसी धमकी की वजह से। लेकिन सर, अब हम चारों बम तक पहुंचेंगे कैसे? निखिल, जनार्दन की लाश खूनी ने उस वेयरहाउस में छुपा दी, उसी वेयरहाउस में क्यों, कोई ना कोई तो वजह होगी जनार्दन की लाश को उस वेयरहाउस में छुपाने की। कमाल है, गोडाउन में सामान भरा पड़ा है, मगर ना कोई चौकीदार ना कोई सुपरवाइजर, किसी ना किसी को तो होना चाहिए था यहाँ पे। सर, जब जनार्दन की लाश यहाँ से मिली थी तब भी यहाँ कोई नहीं था। सचिन, एक काम करो, बगल में जो गोडाउन है वहाँ के चौकीदार को लेके वहाँ पे। कोई ना कोई वजह जरूर होगी,
जो उन अपराधियों ने जनार्दन की लाश को यहां पे लेकर आया। रजत ढूंढो बोलो सर। हाँ रजत सर, ये देखिए सर, जरूर यहां पर कुछ डब्बे रखे हुए थे जो हाल ही में यहां से शिफ्ट किए गए। क्या होगा उन डिब्बों में, तो चेक करो। सर इसमें तो बस नॉर्मल सामान है, कुछ खास नहीं। और जो बॉक्सेस यहां से ले जाया गया उसमें नॉर्मल सामान नहीं था, आरडीएक्स था। आरडीएक्स? हाँ, वो मुजरिम इस जगह का इस्तेमाल कर रहे थे आरडीएक्स रखने के लिए। सर श्री चंद्रकांत सामने वाले गोडाउन का वॉचमैन। यहाँ गोडाउन में कोई चौकीदार या सुपरवाइजर नहीं है क्या? एक सुपरवाइजर है सर, पर वो कल से आए नहीं है। क्या नाम है उसका? सर उनका नाम मनोज है। कहाँ रहता है? सर विद्याधर नगर। देखते हैं ये चौकीदार गोडाउन छोड़ के अपने घर पे क्या कर रहा है। क्या दो दिन से मनोज जी घर पे नहीं आए? नहीं, चिंता से तो मेरी जान ही निकली जा रही है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे, ठीक भी होंगे या नहीं। नहीं आप हौसला रखिए, आपके पति जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। अच्छा आप ये बताइए, क्या वो किसी जनार्दन नाम के आदमी को जानते थे? जनार्दन? नहीं तो, ये नाम तो उनके मुंह से कभी सुना ही नहीं। ये जनार्दन है, शायद आपने इसे कभी देखा हो। ये जनार्दन है? हाँ, आप इसे जानती हैं? हाँ, पिछले हफ्ते ये आदमी हमारे घर के सामने फोटो ले रहा था। फोटोस? किसकी? पता नहीं, मनोज पूछने गए तो कहने लगा कि मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ और शौक के लिए गली मोहल्लों के फोटो निकाल रहा हूँ। सर मुझे तो लगता है कि ये जनार्दन मनोज के घर की जासूसी कर रहा था। ये आदमी कौन है? यही तो मेरे पति है मनोज। ये मनोज है? हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे? आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? शायद इनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी अभी लाती हूँ। इस फोटो में जो आदमी है अगर ये मनोज है तो फिर वो सिप्पी साहब के घर पे सारूखी की लाश। सारूखी की लाश डीसीपी साहब के घर पर कैसे? सारूखी डीसीपी ये मनोज, मनोज और सारूखी। माय गॉड, अब पता चला रजत क्यों चौंक गया था मनोज का फोटो देखकर। ये मनोज और सारूखी, मनोज और साहू की एक ही कद के, एक ही रंग के हैं। ये देखो। फिर मतलब जनार्दन कहीं इसलिए तो मनोज की जासूसी नहीं कर रहा था ताकि साहू के सर की जगह मनोज को? हाँ पूर्वी, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। किडनैपर्स ने सिर्फ मनोज का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसे किडनैप करने के बाद उसके वेयर हाउस में आरडीएक्स रखना शुरू कर दिया। आरडीएक्स रखना? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोज को किडनैप करने के बाद उसका खात्मा कर दिया, मनोज को मार दिया? और फिर अगर मनोज को मार दिया तो क्या सारूखी जिंदा है? हाँ जरूर, सारूखी अभी भी जिंदा है। और सब इसका डीएनए, उंगलियों के निशान सब डॉक्टर सारूखी से मैच करते हैं। अपेंडिक्स ऑपरेशन का निशान सर? हाँ
सर, सालों के सर ने तो कभी भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया ही नहीं था। हाँ तो इसका हुआ है मनोज का, वो भी एक महीने पहले। ये देखिए रिपोर्ट्स में साफ लिखा है। और तुम्हें इसके शरीर पर अपेंडिक्स के ऑपरेशन का निशान मिला है ना? हाँ सर, बिल्कुल क्लियरली। ये देखिए, सर इसका मतलब सालों के सर जिंदा है। वाह, अगर सालों के जिंदा है तो फिर उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ये मनोज है तो फिर इसके उंगलियों के निशान सालुके की उंगलियों के निशान के साथ मैच कैसे होते हैं? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है सर। तरीका एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों में तुम दोनों के अलावा, मेरा मतलब है तुम और सालुके के अलावा, लैब में और भी कोई आया था? याद करो। हाँ सर, रोहन, वो लैब अटेंडेंट। आई एम श्योर उसी ने सालुके सर की डिटेल्स के साथ छेड़छाड़ की होगी। रोहन लैब अटेंडेंट? तो फिर इस रोहन को उठाओ। और सालुके कहाँ है ये डीसीपी चित्रोले के घर से पता चलेगा। सर, खिड़की का कांच टूटा हुआ है, मुजरिम यहीं से अंदर आया होगा। अगर खूनी कांच तोड़ के अंदर आया है तो अलार्म सिस्टम क्यों नहीं बजा? उसने भी जब हम दरवाजा तोड़ के अंदर आए तो कोई अलार्म सिस्टम नहीं बजा। इसका मतलब है खूनी ने अलार्म सिस्टम बंद करके रखा है। सर, अलार्म बंद है। लेकिन सर, जब मुजरिम ने खिड़की तोड़ी तब तो अलार्म बजा होगा ना, तो क्या उसने अंदर आकर ये अलार्म बंद किया? एक बार अलार्म सिस्टम बज जाए तो उसे बंद करने के लिए इसमें पासवर्ड डालना पड़ता है। लेकिन सर, ये पासवर्ड तो सिर्फ डीसीपी सर जानते होंगे, तो फिर डीसीपी के अलावा ये कैमरा भी जानता होगा वो कोड। इस कैमरे के जरिए खूनी को वो पासवर्ड के बारे में पता चल गया जब डीसीपी साहब ने वो पासवर्ड इस अलार्म में डाला। लेकिन सर, इस कैमरा की फुटेज उस मुजरिम तक कैसे पहुंची होगी? सर, हो सकता है उस मुजरिम ने यहाँ कहीं आसपास ट्रांसमीटर छुपा रखा हो। हाँ, ट्रांसमीटर होना चाहिए आसपास। तो खिड़कियों के आसपास देखो। यस सर। ट्रांसमीटर, अगर वो खूनी मनोज की लाश यहाँ लेकर आया था जरूर किसी गाड़ी में रख के लाया होगा। लेकिन सर, पड़ोसी कह रहे थे कि उन्होंने किसी अनजान गाड़ी को घर के बाहर नहीं देखा। अच्छा, इस न्यूज़पेपर वाले ने जरूर कुछ देखा होगा। देखा, रोहन घर पे है ही नहीं। हर गड़बड़ वाले आदमी के घर के बाहर ताला ही लगा रहता है। हाँ, सीआईडी तो आदी हो चुकी है ताले तोड़ने के। कौन ने जरूर कोई सुराग छोड़ा होगा, ढूंढो। सचिन, फ्रेडे, बम बनाने का इतना सारा सामान, मतलब रोहन ने लैब में हमारे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ नहीं की बल्कि उसने अपराधियों की मदद की है बम बनाने में। हाँ, और ये बॉम्ब बहुत ताकतवर है, ये देखो आरडीएस इस्तेमाल किया गया है इन्हें बनाने में। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है।
अगर जल्द से जल्द रोहन को पकड़ा नहीं गया तो न जाने कितने मासूम लोग इस बम का शिकार हो जाएंगे। सर कुछ नहीं होगा फ्रेड, रोहन को हम जरूर पकड़ेंगे और बॉम्ब्स मिलने के पहले पकड़ेंगे। टूटा हुआ सिम कार्ड, जरूर रोहन ने नया सिम कार्ड खरीदा होगा। दुकान की पर्ची, इसका मतलब है रोहन ने जरूर नया नंबर इसी दुकान से खरीदा होगा। विक्रम मोबाइल एंड कम्युनिकेशंस, बंगलो नंबर 32, कैलाश रोड, सिविल लाइंस। वो अखबार आप ही डालते हो ना? जी हाँ सर, वो तो डीसीपी चित्रोले साहब का घर है ना? हाँ हाँ, चित्रोले साहब का घर है। घर के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी क्या? सिल्वर रंग की वो लेस्कोट ना गाड़ी? हाँ वही कार। नहीं साहब, उनकी गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी थी और घर पर ताला लगा हुआ था, इसलिए मैं पेपर बाहर डाल के चला गया था। अच्छा, किसी और की गाड़ी खड़ी थी उनके घर के बाहर? हाँ साहब, घर के बाहर दो गाड़ियाँ खड़ी थी, एक ब्लैक कलर की थी एल्सो ब्रांड की और दूसरी थी व्हाइट कलर की वैन। ब्लैक कलर की एल्सो गाड़ी तो साड़ुखे की भी है, और ये सफेद रंग की वैन किसकी हो सकती है? आपने उस वैन का नंबर देखा था? सर नंबर तो नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे कुछ शेर का स्टिकर लगा हुआ था। सर अगर ये शेर का स्टिकर किसी कंपनी का लोगो होगा तो हम इसके बारे में नेट से पता कर सकते हैं। हाँ तो फिर करो, जल्दी करो। देखो सर ये है सारे लोगो। आओ दिखाओ जरा कौन सा स्टिकर था। देखो ये सारे लोगो है, ये वाला सर, दीवान फैशन हाउस। पूर्वी काम करो, इस दीवान फैशन हाउस में फोन करके पूछो कि उनके पास कोई सफेद रंग की डिलीवरी वैन है क्या जिसके ऊपर ये ऐसा स्टिकर है। आप जा सकते हैं। थैंक यू। दया ये दीवान फैशन हाउस की गाड़ी का, ऐसी गाड़ी उनके पास क्या कर रही थी? सर सर उस रोहन का नया मोबाइल नंबर पता चल गया। गुड, कहां पर ट्रेस हुआ? सर उसका फोन मालवीय नगर में ट्रेस हुआ है। सर जीपीएस के हिसाब से रोहन का फोन एक जगह पे रुका नहीं है बल्कि एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर रहा है सर। मालविया नगर। हेलो दीवान फैशन हाउस, हाँ मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ। आपके पास कोई सफेद कलर की डिलीवरी वैन है? थैंक यू सर। सर दीवान फैशन हाउस की एक सफेद कलर की वैन चोरी हुई है और उस वैन का नंबर है ABZ4717AZ। देख कंट्रोल रूम को फोन करो, उनसे कहो कि अगर ऐसे सफेद रंग की कोई डिलीवरी वैन दिखे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। यस सर। और फिर ये रोहन, इस रोहन का तो जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा, शायद ये सारे बॉम्ब्स उसी के पास है। रोहन का मोबाइल प्रिंस रोड की तरफ मुड़ गया। ओह नो, कहीं ये सेलर बाजार तो नहीं जा रहा? सर वो इलाका तो काफी भीड़भाड़ वाला है, अगर वहां पे बम फट गया तो तबाही मच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा सचिन, इसके गंदे इरादे को कामयाब होने नहीं देंगे, सीआईडी से रोक लेगी। एक काम करते हैं, आगे से राइट लेते हैं शैतान चौकी से, शॉर्टकट है सीधे सेंट्रल बाजार जाने के लिए। सचिन बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो और उन्हें फौरन सेंट्रल बाजार पहुंचने के लिए बोलो। बॉम्ब स्क्वाड सिग्नल तो यही बता रहे सर, कहां पर? बिहार के सामने। ये जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ सचिन जल्दी। रजत इसे बाहर निकालो। संभाल के, गोली सीधे छाती पे मारी है। देखो यहाँ पर गाड़ियां हैं, हो सकता है दीवान फैशन हाउस की गाड़ी इसी में हो। देखना जरा, चौकन्ना रहना।
सर वो रही बहन। हाँ संभाल गए। गाड़ी को अंदर से अच्छी तरह से चेक करो, देखो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर। हाँ क्या हुआ? सलाश। इसके कपड़ों से तो लगता है ये इसी वाहन का ड्राइवर है। सर लगता है ये मुजरिम उन सभी लोगों को मार रहा है जिन्होंने उसका साथ दिया। हाँ पूर्वी, इसीलिए तो रोहन को भी गोली मारी उसने। सर इसकी जेब में कोई आईडी तो नहीं, बस ये मोबाइल फोन है। दीवान फैशन है उसका नंबर, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। अरे फोन रिकॉर्ड सर, इनकमिंग आउटगोइंग कुछ भी नहीं। तो सारुंगी का पेन है, इसका मतलब है सारुंगी को इसी वन में ले जा गया किडनैप करके। माय गॉड, निखिल जल्दी से बॉम्ब डिटेक्टर लेकर आ, हो सकता है इस गाड़ी में बॉम्ब है। गाड़ी के नीचे भी नहीं, गाड़ी के अंदर भी नहीं है, तो फिर कहाँ है? सिग्नल तो आ रहा है, सिग्नल बढ़ते ही आ रहा है, इनके आसपास से आवाज आ रही। सिग्नल और भी बढ़ने लगा, ये बैग इनके घोड़े से। सिग्नल तो दिखा रहा है, बॉम्ब यहीं कहीं आसपास है। बॉम्ब इसी बैग में है, लोगों को हटाओ यहां से। खाली करो जगह को। सब लोग पीछे। भाई भाई सब, इधर सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपकी जान को खतरा है, चलिए बाहर बाहर प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप लोग भी चलिए प्लीज, आपकी जान को खतरा है, चलिए प्लीज प्लीज जाइए। इसी में बॉम्ब है, इसी में। रिफ के साहब की है? नो सर। आप तुमने में से किसी की है? नहीं सर, काफी देर से यहाँ पे पड़ा है। आप में से किसी की ब्रीफ केस है या किसी ने छोड़ी है इधर? ठीक है सबको पीछे कर दो, जल्दी आइए, प्लीज दूर हो जाइए जल्दी। रुक इधर, स्कूटर यहाँ पे किसने पार्क किया? ये सब सुबह से यहाँ खड़ा है, मुझे नहीं पता किसका है। स्कूटर सुबह से ऐसे खड़ा है यहाँ पे? हाँ सब सुबह से खड़ा है यहाँ। तुमने देखा ना किसने पार्क किया स्कूटर? सब मैं अपने काम में बिजी था, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो भागो यहाँ से। टाइम देगी सर, बॉम्ब से क्लैट सर। देखिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इस बैग में बॉम्ब है, जल्दी से डिफ्यूज करो उसे। लेकिन सर इस ब्रीफकेस के कोड तो लॉक है। नंबर लॉक खोल कर देखते हैं, खुलता है क्या? समझ में नहीं आता ये क्या नंबर है। काम करो बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो, बोलो जल्दी आ जाए बोलो। बॉम्ब स्क्वाड वाले से बात की, वो कह रहे कि आधा घंटा और लगेगा होने में। और आधा घंटा? देखिए आधा घंटा बहुत लेट हो जाएगा। बताइए बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करना है? मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। एक मिनट, स्पीकर फोन ऑन करो जल्दी। तो रोहन का फोन बज रहा है,
कोई लैंडलाइन नंबर है सर? फोन नहीं उठाएगा, अगर फोन रिसीव किया तो बम फट जाएगा सर। इसका कनेक्शन इससे है सर। व्हाट? जल्दी कुछ कीजिए। अब बम पे टाइमर लगा हुआ, टाइमर बंद है, घड़ी बंद है। वो है उसमें दूसरा तार लगा हुआ है, पीले रंग की, लाल रंग की और नीले रंग की वायर्स हैं। एक काम करिए, पहले आप पीला वाला वायर काटिए। पीला वाला? देखिए पीली वायर कट चुकी है, अब बताइए आगे क्या करना है, जल्दी बताइए प्लीज। ये तो वैन के ड्राइवर का फोन है, यहां तो टाइमर शुरू हो गया है। फोन रिसीव मत करना, अगर रिसीव किया तो बॉम्ब फट जाएगा। हेलो, सुन लिया आपने, बॉम्ब एक्टिवेट हुआ है सेल फोन के जरिए। अब क्या करें हम? 7 सेकंड बचे। जल्दी करो विकी, सिर्फ 3 सेकंड बचा विकी, जल्दी करो। एक बॉम्ब को तो फटने से रोक लिया, न जाने बाकी के बॉम्ब कहां रखे हैं। लाल वाला काट दिया, अब देखो सिर्फ 30 सेकंड बचे, जल्दी बताइए क्या करना है। आप लोग भाग जाइए वहां से, हट जाइए पीछे, फटने वाला है। चलो जल्दी, लेट्स गो, चलो जल्दी। रोहन का होश में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वही बता सकता है वो बाकी दो बॉम्ब कहां पर फिट किए गए हैं। सर सर उस लैंडलाइन नंबर का पता चल गया जिससे उन बॉम्ब्स का टाइमर चालू किया गया था। किसका नंबर है? सर एक पीसीओ है प्रीतमपुर इलाके में, मैंने पीसीओ के मालिक से पूछताछ की लेकिन उसे तो बॉम्ब्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे भी कुछ नहीं पता? क्या तो रोहन बेहोश है, फिर प्रीतमपुर के पीसीओ वाले को बॉम्ब्स के बारे में कुछ पता नहीं, तो फिर ऐसी कौन सी कड़ी है जो हमें उन बॉम्ब्स तक पहुंचा सकती है? सर शायद डॉक्टर सालुंखे हमें कुछ बता सके। हाँ सालुंखे बता सके, अगर हम सालुंखे तक पहुंच गए ना तो सालुंखे हमें जरूर उन दो बॉम्ब्स के बारे में बता सकेगा। सर एक ऐसा सुराग पता चला है जिससे शायद हम लोग डॉक्टर सालुंखे तक पहुंच सकेंगे। कैसा सुराग? सर मैं दीवान फैशन हाउस रहा हूँ, वहाँ के मैनेजर ने मुझे बताया कि वहाँ से निकलने से पहले उस कार्गो वैन ने 12,500 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और जब हमें वैन मिली तब कितनी चली थी? सर 12,550 किलोमीटर। मतलब वैन फैशन हाउस से निकलने के बाद 50 किलोमीटर चली थी। और सर ये वैन हमें जहां पर मिली है वहां से फैशन हाउस की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। तो मतलब वैन 20 किलोमीटर ज्यादा चली है, तो इसका मतलब है जहां पर वैन मिली थी वहां से 10 किलोमीटर के दायरे में ही सालुंखे को कहीं पर बंदी करके रखा है। और ये जगह जरूर किसी बीच के आसपास है क्योंकि वैन के टायर से और ड्राइवर के जूते से हमें रेत मिली है। जरा मैप देखो। यस सर। दीवान फैशन हाउस कहां पर है? ये रहा दीवान फैशन हाउस और हमें वैन मिली थी उनकी यहां पर। अब यहां से 10 किलोमीटर के दायरे में बीच है ये प्रिस्टीन बीच। बस प्रिस्टीन बीच के आसपास जितने भी घर जितने भी बिल्डिंग्स हैं सब चेक करो, सालुंखे को वहीं पर कहीं बंदी करके रखा होगा। हाँ डॉक्टर साहब, रोहन को होश आ गया। वंडरफुल न्यूज। डॉक्टर साहब तबीयत कैसी है इसकी? अब डरने कोई बात नहीं, वो खतरे से बिल्कुल बाहर है, नाउ इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम्हारे बॉम्ब्स लगाने की वजह से पूरे 40 लोगों की जानें चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग वहां पे वक्त पे पहुंच गए, वरना मरने वालों की तादाद सैकड़ों में होती, समझे? मुझे माफ कर दीजिए सर, उन लोगों ने मेरी माँ को किडनैप कर रखा है प्रीतमपुर में, इसलिए उन लोगों की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सर।
मैंने जो कुछ भी किया सर, उसके लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ सर। अभी नाटक बंद कर, चुपचाप ये बता कि बाकी बॉम्ब्स कहाँ रखे हुए हैं। एक तो ट्वाइलाइट स्कूल में और दूसरा बंदी पार्क में। क्या बच्चों के स्कूल में? तुम मासूम बच्चों की जान लेना चाहते हो? ये बताओ कि कौन सा आतंकवादी संगठन है? मैं नहीं जानता सर। उन लोगों के चेहरे तो देखे होंगे तुमने, उनका स्केच बनवा सकते हो? नहीं सर, उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था सर, और काम होने के बाद मुझे गोली मार दी सर। चलो बॉम्ब को फटने से रोकना। सर सर, उन लोगों ने डॉक्टर सालुंके को भी किडनैप कर रखा है। क्या सालुंके साहब को? सालुंके साहब को कहाँ रखा गया तुम्हें मालूम है? नहीं सर, पर वो लोग इतना कह रहे थे कि जब तक उन्हें वो चीज मिल नहीं जाती तब तक वो सालुंके को मार भी नहीं सकते। चलो एक तो अच्छी खबर दी तुमने, इसका मतलब डॉक्टर सालुंके जिंदा। सचिन रेडी, पूरा एरिया छान मारो। तुम? हाँ सर। एक बात बताओ, किसी अनजान आदमी को तुमने स्कूल के आसपास कहीं देखा? नहीं सर। ठीक से याद करो, कोई आदमी जिसके पास बैग हो, कोई ब्रीफकेस हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई आदमी नहीं देखा। स्कूल के अंदर कोई अनजान आदमी तो नहीं घुसा ना? नहीं सर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के अलावा अंदर किसी भी इंसान का जाना मना। और अगर कोई आदमी पेरेंट बन के घुस जाए तो? सर पेरेंट्स के स्पेशल आई कार्ड होते हैं, हम उसे देख के अंदर छोड़ दो। हाँ ठीक है। स्कूटर किसका है? नहीं पता सर। पागल हो? क्या पूछ रहा हूं मैं इतनी देर से? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? अरे मेरा स्कूटर है ये। अरे तुम गाड़ी दिखा। काट ले लीजिए काट। ब्रीफकेस? बिल्कुल ऐसा ही ब्रीफकेस तो MI रोड पर था। फ्रेडी बॉम्ब स्क्वाड को फोन लगा। हेलो बॉम्ब स्क्वाड। हाँ सर, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया सर। थैंक गॉड। हाँ हाँ सर, हम लोग पार्क पे पहुंच गए सर। ओके सर। सचिन रजत, पार्क खाली करो जल्दी, बॉम्ब ढूंढो। चलिए आप लोग यहाँ से बाहर जाइए, पार्क से बाहर जाइए जल्दी। बंटी आप लोग भी प्लीज, CID इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्लीज जगह खाली कीजिए, खाली कीजिए, खाली कीजिए, पार्क खाली कीजिए, जल्दी जल्दी प्लीज। सचिन रजत, ब्रीफकेस शायद इसी में बॉम्ब है। बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो जल्दी।
ये आखिरी बंगलो बचा हुआ है। कार मार्क्स देखे थे? सालुंके सर, 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 क्या हुआ पूर्वी? सर ये देखिए। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम करो। पानी बंद करो। जो संभाल के ऊपर। डॉक्टर साहब, पूर्वी, जल्दी हॉस्पिटल में फोन करो। सांगे, सांगे, अबे तू तो जिंदा है? कहा था ना मैंने, इतनी जल्दी शहीद नहीं होने दूंगा मैं तुझे। बचा लिया, समझे? बचा लिया। अबे हंसता क्या है? बोल सकता है क्या? चल कोई बात नहीं, लिख के बता क्या क्या जानता है उस मुजरिम के बारे में। तीजा, तीजा, डीसीपी सर का पुराना दुश्मन रजत, इस तीजा की कुंडली निकालो। सर ये देखिए, आज से 10 साल पहले डीसीपी साहब ने इस तीजा को जेल की चक्की पिसवाई थी, पूरे गैंग का सर्वनाश कर दिया था। और अब जेल से छूटने के बाद इसने अपने काले कारनामे फिर से शुरू कर दिए, नई गैंग भी बना दी इसने। इतना ही नहीं सर, डीसीपी साहब से बदला लेने के लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची। हाँ सर, और सालुंके साहब की भी क्या हालत कर दी इस तेजा ने। एक एक गुनाह की कीमत चुकानी पड़ेगी इस तेजा को, एक एक गुनाह की। सालुंके बता रहा था ना कि जहां पर उसे बंद करके रखा था वहां पर उसने इंडस्ट्रियल सायरन की आवाज सुनी थी। हाँ सर, उन्होंने ये भी बताया था कि डीसीपी साहब के घर से वहां तक पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता है। एक मिनट, एक मिनट, डीसीपी साहब के घर से आधे घंटे की दूरी पर तो सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियल एरिया है, नारायणी इंडस्ट्रियल एरिया। नारायणी इंडस्ट्रियल एरिया, तो फिर इस तेजा के गुनाहों का महल इस नारायणी इंडस्ट्रियल एरिया में ही है। आ जा रहे आप लोग? तने के अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने अलाउड नहीं है। संभाल के, पता नहीं कितने लोग हैं अंदर। माय गॉड, माइंस बिछा रखे हैं यहाँ पे तो।
पहले इन माइंस को खत्म करना पड़ेगा। शेर की गुफा में तुम्हारा स्वागत है। डीसीपी की दुर्दशा देख करके इतना गहरा सदमा लगा कि सबके सब मौत के मुंह में चले आए। दुर्दशा तो तुम्हारी होगी तेजा, बहुत नाच नाच लिए तुम, अब पर्दा गिराने का टाइम आ गया है। अच्छा, सबकी गन नीचे, जल्दी नीचे रखो, नीचे रखो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। नीचे देख तेजा, अभिजीत को कुछ नहीं होना चाहिए वरना तेरी जिंदगी को मैं एक भयानक सपना बना दूंगा। गन नीचे रखो जल्दी। अभिजीत को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत याराना लगता है, अभिजीत दया दया अभिजीत है? तुम्हारी दोस्ती के काफी किस्से सुने हैं तेजा ने, मगर आज दोस्त को अलविदा कहने का वक्त आ गया क्योंकि अभिजीत तो अब गया। ए, अभिजीत को छोड़ दे वरना 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 क्या, तेरे इस अभिजीत को ऐसी जगह गाड़ूंगा कि जिंदगी भर ढूंढता रह जाएगा फिर भी उसका कंकाल नहीं मिलेगा। तेरा वो डीसीपी जेल में सड़ेगा और तुम दोनों शमशान में। तो कर ले अदालत का। 6 साल पहले मुझे सालुंके की गवाही और डीसीपी चित्रोले की सलाह पर मुझे इस शहर से तड़ी पार कर दिया गया था, अपने परिवार से दूर, अपने धंधे से दूर। इन 6 सालों में मैंने 6 जन्म का नर्क भोगा है जज साहब। तब मैंने इरादा किया कि जिस दिन भी मैं मुंबई लौटूंगा सालुंके और डीसीपी चित्रोले से अपने 6 साल का बदला 6 गुना ज्यादा लूंगा, मौत से भी बदतर सजा दूंगा इनको। तब मैंने ये प्लान रचा, रोहित का खून इस तरीके से किया कि देखने वालों को लगे कि उसकी मौत डीसीपी के हाथ हुई है। और फिर जब सालू के डीसीपी के घर पर पहुंचा तो उसके निकलते मैंने उसे भी अगवा कर दिया। और फिर सालू के कपड़े एक लाश को पहनाकर अपने आदमियों के द्वारा डीसीपी के कमरे में छुपा दिया। उसका चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया कि देखने वाले पहचान नहीं सके कि वो कौन है। और फोरेंसिक्स की वो रिपोर्ट जो कहती थी कि वो मृत शरीर डॉक्टर सालुंके की है, वो भी स्पष्ट है कि आप ही ने बदल पाए। जी हाँ, ये काम भी मेरे आदमी ने किया। कंप्यूटर टेक्नीशियन के भेस में जाकर बड़ी चालाकी से उसने सालुंके के डेंटल डीएनए और ब्लड रिकॉर्ड्स उस लाश के रिकॉर्ड्स के साथ में बदल दिए। राइट, और छोटू चाय वाला ड्राइवर जनार्दन, ये भी आप ही के आदमी थे? जी हाँ, वो सब भी मेरे आदमी थे। मैं डीसीपी चित्रोले की बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे देखना चाहता था और सालुंके को अपने पास में कैद रख करके घुट घुट करके मौत देना चाहता था, लेकिन तुमने और सीआईडी ने मिलकर के सब बर्बाद कर दिया। सॉरी अबाउट दैट। वन हु लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। तेजा, जो व्यक्ति बर्बादी को पालता है
उसका अंत भी बर्बादी ही होती है। द डिफेंस फाइनली रेस्ट्स योर आर्म। यह अदालत मुजरिम तेजा को अंडरकवर ऑफिसर रोहित और ड्राइवर जनार्दन के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है और डीसीपी चित्रोले को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पड़क साहब। जी जसवंत। अक्सर जब मैं हारता हूं तो नाराज होता हूं, लेकिन आज खुश हूं। देश को बचाया आपने। देश को बचाने का श्रेय आपको जाता है जसवाल साहब। हाँ, वो लंदन का टेलीफोन नंबर आप ढूंढे नहीं गए उसे तो। स्मार्ट यू। सी यू। अरे डीसीपी साहब, डीसीपी साहब, पुराना माने तो एक बात कहूं। नहीं नहीं, पता चला है सीआईडी से कि आप बड़े ही नटखट हैं। हमेशा सीआईडी में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। डीसीपी साहब, अब तो सुधर जाइए। केडी, तुम हो ना, अगर कुछ करूंगा भी तो बचा लेना। लो कर लो बात। मुझे तो लगा था सर इस बार डीसीपी चित्रोले भाई भाई टाटा होगा। अरे बड़ी अजीब गजब की किस्मत है उनकी, हर बार बच निकलते हैं। पहले तो सबूत भी ढूंढने पर उनके खिलाफ लाश परसों का। हाँ, वो सफेद बाल जो आजकल काला है, काला। अरे सर, वो फेमस डीसीपी चित्रोले बाल। मैं तो कहता हूँ उस बाल की वजह से डीसीपी साहब कम से कम 10 साल के लिए अंदर चले जाते। 10 साल के बगैर उस बाल ने डीसीपी साहब की इज्जत बचा ली, मालूम है? अरे मैं तो बोलता हूँ कि ये बाल फोरेंसिक लैब में रखना चाहिए, ताकि सारे स्टूडेंट देख सके। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, डीसीपी साहब का बाल लैब में? अरे उनका बाल तो सर म्यूजियम में रखना चाहिए। अरे अभिजीत, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर वो बाल म्यूजियम में रखोगे तो सारे स्टूडेंट को याद दिलाता रहेगा कि डिटेक्शन कैसे किया जाता है। डिटेक्शन कैसे किया जाता है? डीसीपी साहब ने डिटेक्शन कैसे किया? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, डीसीपी और डिटेक्शन? सर उनके नाक के नीचे हाथ भी बैठ जाएगा ना तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा। ऐसा ही ये निखिल बता रहा था। मैंने सिर्फ बोला कि ऐसी बातें मुंह से निकालने से पहले 10 बार सोच लिया कर, मगर सर बुरा आदमी कुछ नहीं दिखता। अरे ये बात निखिल गया, ये रजत भी बोलेगा, आती नहीं दिखता उनको। हाँ सर, ये मैंने भी सुना है कि डीसीपी चित्रोले हाथी देख देख ले तो हाथी खुद बोलेगा। हाँ। कि डीसीपी चित्रोले से बढ़िया इन्वेस्टिगेटर कोई है ही नहीं। अरे यार ये क्या बात करने लगा यार। अभिजीत ये गलत है, हाथी घोड़ा सब गलत है। अरे क्या है? इसमें क्या गलत है यार? अभिजीत जो बात गलत है वो गलत है। अरे क्या गलत है? से गधा। गधा गलत है सर। मुझे हाथी घोड़ा दिखाई नहीं पड़ता है सर। मैं तो आपकी टीम में हूँ सर। क्या? नहीं सर, आपकी टीम में हूँ। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। नहीं सर, वो तो हमने तो आपको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया सर, दिन रात डिटेक्शन किया, वो सुराग ढूंढ के निकाला सर। वो बाल नहीं सर, वो निकाला सर, वो हाथी। मेरा बाल म्यूजियम में जाएगा? हाँ सर, यस सर, म्यूजियम में पढ़ाने के लिए, देश की सेवा में। देश की सेवा? मेरे बाल से देश की सेवा होगी? हाँ सर, ऑफ कोर्स। यू नो ऑफिसर्स आएंगे, उस बाल को देखेंगे,
डिटेक्शन सीखेंगे, यू नो डिटेक्शन, आपके बाल से। मेरे बाल से डिटेक्शन सीखेंगे? हाँ, डिटेक्शन सीखेंगे मेरे बाल से। देखो तुम लोग आगे आगे क्या होता है। जाते जाते भी टेंशन दे गया है। अरे देखा जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।